आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन आ सर्किट। कि रेजिस्टेंस से क्या मुराद है और रेजिस्टर्स को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, कि जब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो उसमें से जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, तो जब ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपनी मुजाहिमत पेश करता है, इसके ख़िलाफ़ अपनी मुजाहिमत पेश करता है, तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं और इस कंडक्टर को रेजिस्टर कहते हैं। तो जब कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए मुजाहिमत पेश करता है या अपोजिशन पेश करता है, उसको अपोज करता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इस कंडक्टर को हम रेजिस्टर कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि कनेक्ट की हुई है किसी भी सर्किट में, तो उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड को, जो कि सर्किट में फ़्लो कर रहा होता है, उसकी मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करे। सो इट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। रेजिस्टर्स को सर्किट में दो तरह से कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज़ में और दूसरा पैरेलल। सीरीज सर्किट में रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ हो, एक ही रास्ता हो, और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टर में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे और करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो। फॉर एग्जांपल, जब बैटरी के साथ किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है जो कि रेजिस्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर ये बल्ब कनेक्ट किए हुए हैं और इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं कि ये सीरीज़ में है, कि इसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ईच रेजिस्टर और करंट के फ्लो के लिए सेम पाथ है और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है हर रेजिस्टर में से, तो इसको हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसमें जो टोटल वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ वोल्टेजेस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ रेजिस्टेंसेस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। तो टोटल वोल्टेज इक्वल है सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, और इसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस भी इक्वल है सम ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ डेकोरेशन लाइट्स, अगर डेकोरेशन लाइट्स में से एक भी बल्ब मिसिंग हो जाए या वो बर्न हो जाए तो करंट फ्लो नहीं कर सकता और लाइट्स अपना काम नहीं कर सकती, ये लाइट्स ग्लो नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्ट हुई होती हैं और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होता है उनमें से। अगर एक भी लाइट बर्न हो गई या मिसिंग हो गई, बीच में से निकल गई, तो करंट यहाँ पर इसका रास्ता जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, सेम पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट यहाँ पर रुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो लाइट्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ डेकोरेशन लाइट्स, वो अपना काम नहीं कर सकेंगी। इसी तरह पैरेलल सर्किट में रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि इनके फ्लो के लिए, करंट के फ्लो के लिए डिफरेंट पाथ हो। फॉर एग्जांपल बैटरी के साथ ये तीनों इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट पाथ्स हैं और डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ईच रेजिस्टर, और इसका टोटल वोल्टेज हर एक जो रेजिस्टर है उसके वोल्टेज के इक्वल है। फॉर एग्जांपल वायरिंग सिस्टम ऑफ अ हाउस, के अगर हाउस में हम देखते हैं कि अगर एक रूम की अप्लायंस काम करना छोड़ देती है तो करंट फिर भी फ्लो कर रहा होता है अदर अप्लायंसेस में से, दूसरे रूम का अप्लायंसेस उसी तरह से काम कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन होता है वो
पैरेलल सर्किट में होता है।